टेक्निकल प्रोज को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबा दे इस बेल को और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल प्रोज चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त नरेश लव पुरोहित। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम मौज ऐप्स पर फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, मैं आपको मौज ऐप्स पर फोटो से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से अपनी मौज ऐप्स पर फोटो से वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल वाले आइकॉन को भी दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से इंट्रो के साथ करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल के होम स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आप मौज ऐप्स पर वीडियो कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने मौज ऐप्स को ओपन करते और प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करते और गैलरी पर जाकर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ़ोटो से वीडियो बनाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये जितने भी सारे दिख रहे हैं ये सब वीडियो है, तो हमें फ़ोटो से वीडियो बनाना था, हम कैसे बनाएंगे? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको फ़ोटो से वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऐप्स का नाम है InShot। तो दोस्तों, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस InShot ऐप को हमें ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे, तो आपको सबसे पहला वाला वीडियो पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, आप वीडियो पे जैसे क्लिक करोगे तो आप ऊपर देख सकते हो वीडियो और फोटो और तीन ऑप्शन आपको दिए हुए, तो आपको फोटो वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप कोई भी अपना जो भी फोटो से वीडियो बनाना चाहते वो फ़ोटो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको जो सबसे पहला वाला जो कैनवास दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको अलग अलग चेंज कर सकते हो। उसके बाद राइट कर लेना है। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिया हुआ है, तो म्यूजिक पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद ट्रैक्स पर आपको क्लिक करना है और माई म्यूजिक पर आपको क्लिक करना है। आपके जितने भी मेमोरी में जो सॉन्ग है वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक म्यूजिक मैंने ले लिया और यूज पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप स्टिकर भी यहाँ से लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी स्टिकर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो अपने फ़ोटो पे। तो दोस्तों, इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने फ़ोटो पर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर राइट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर दिया हुआ है, आप अपने फ़ोटो पर अलग अलग इफ़ेक्ट लगा सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हो और अलग अलग फिल्टर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट करके ओके कर लेना है। तो दोस्तों, आपका बैकग्राउंड में वाइट कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप करके नो फ्रेम कर सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अगर आपको वाटर मार्क दिखाई दे तो उस वाटर मार्क को आपको क्लिक कर लेना और फ्री वाटर मार्क वाला आपको यूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सबसे ऊपर वाला जो है 1080 उसको आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर सेव कर लेना। मैं अभी ये छोटा वाला कर लेता हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना बने। तो दोस्तों, आपको एक ऐड दिखाई देंगे, उसको आपको बैक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर क्रिएट कन्वर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आपका जो फ़ोटो का जो वीडियो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सेव कर लेना है और सेव हो जाए आपको बैक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो मौज ऐप्स है उसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं अपना मौज ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे प्लस वाला जो आइकॉन बना हुआ है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों, आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो फ़ोटो जो हमारा दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपका जो फ़ोटो का जो वीडियो है वो बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोटो का वीडियो मौज ऐप्स पर डाल सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो का हमने जो वीडियो क्रिएट किया वो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है।
नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।